नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं डॉक्टर विलास जगदाळे, एमडी होम्योपैथ औरंगाबाद महाराष्ट्र से, आज 9 मार्च 2022 के मेरे फेसबुक लाइव पे सबका स्वागत करता हूँ। जो भी आए पहले बताए, आवाज़ आ रही है क्या? आज सेवंथ डायमेंशन के बारे में बात करने आया हूँ मैं। ईशान सावंत, हाय, हेलो। विकास पुरी जी, गुड मॉर्निंग। उपासना जी, गुड मॉर्निंग। आवाज़ आ रही है? इज इट ऑडिबल? प्लीज़ बताएं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग रेशमा जी, गुड मॉर्निंग सुमित कुमार, महेंद्र चौहान सर, यू आर इम्पोर्टेंट पर्सन विथ अ लॉट ऑफ नॉलेज थ्रू आउट माई लाइफ, वेलकम फ्रॉम, थैंक यू। आ रही है उपासनी, थैंक यू सर। आता पैंडेमिक गेम आनी टीका स्टार्ट होनार का, यस। अब ये बूस्टर डोज के लिए सब नाटक करने वाले हैं। सपना बजाज जी, गुड मॉर्निंग। शौकत शेख जी, गुड मॉर्निंग। कमल कुशवा जी, नमस्कार। महेश समरीन जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। फरनाज राणा जी, अबुल हसन, हाय। नीरज कुमार, राम राम जी, किशोर पाटिल, राम राम। आवाज़ है तो, आवाज़ है तो, यस, थैंक यू। तो दोस्तों, आज मैं बात करने आया हूँ आपके साथ सेवन्थ डायमेंशन की। इसके पहले मैंने आपसे फर्स्ट से लेकर सिक्स डायमेंशन तक की बात की थी। आज जो है वो सेवन्थ डायमेंशन की बात करूँगा। और किसी ने तो कल मुझे कमेंट किया था कि आपने कहा था कि मार्च में द बिग डिस्क्लोजर होगा, उसकी डेट बताइए। देखिए, ऐसी कोई डेट नहीं रहती है। एक्चुअली डिस्क्लोजर स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको याद होगा तो 25 फरवरी 2022 को जाजू जी ने गुजरात का एक UFO का वीडियो उन्होंने पोस्ट किया था। तो इसका मतलब जब गुजरात में UFO दिख रहे हैं, पंजाब का वीडियो मैंने जनवरी में पोस्ट किया था, सातारा के कोल्हापुर के आसपास भी कुछ UFO दिखे थे, साउथ में कुछ UFO दिखे थे, हिमाचल में कुछ UFO दिख रहे हैं, तो पंजाब दिल्ली साइड में भी कुछ UFO दिखे थे, पाकिस्तान पंजाब में भी UFO दिखे थे। तो इसका मतलब है डिस्क्लोजर स्टार्ट हो चुका है। आप लोग को ऐसे क्या लगता है कि एक दिन आएगा और उस दिन सबके पर्टिकुलर डेट दिखाएंगे? ऐसे नहीं रहता है। द बिग डिस्क्लोजर स्टार्ट हो चुका है, एलियन UFO दिखने स्टार्ट हो चुके हैं, कई सारे देशों में दिख रहे हैं। अगर आपको भारत में UFO देखने हैं तो रात के 12 बजे के बाद में आसमान में जाके देखते रहिए, आपको दिखेंगे। और मैं किसी को लाइव वीडियो में चैट में लेने नहीं वाला हूँ, तो कोई रिक्वेस्ट ना भेजे, मैं किसी को लाइव वीडियो चैट में लेता नहीं हूँ। तो संजय पाटिल साहब, ये रिक्वेस्ट अगली बार गलती मत कीजिए, या फिर रिक्वेस्ट मत भेजिए। कल आसाम साइड का भी आया है वीडियो, यस, फरनाज राणा जी ने दिखा है, कल आसाम साइड से भी UFO के वीडियोज आए हैं। तो ये हो चुका है, और फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए कृपया मदद कर सकते हैं। मेरा अकाउंट नंबर है 3039391711, SBIN 00107911, ये मेरा IFSC कोड है। मेरा गूगल पे नंबर है +91909628929202। तो दोस्तों, आज आपको लास्ट टाइम मैंने सिक्स डायमेंशन की बात की थी, जो कि संभाला है, जो कि एस्ट्रल प्लेन में रहता है, जो विजुअलाइज नहीं रहता है। अगर उसको आपको देखना है, वो हर कोई नहीं देख सकता है, वो हजारों सालों से वो शिफ्ट होते रहता है, उसकी कोई पर्टिकुलर जगह नहीं है। और उसको आपको देखने जाने के लिए आपको फिफ्थ डायमेंशन में आपको जाना पड़ता है। फिफ्थ डायमेंशन में जाने के लिए आपको पहले थर्ड डायमेंशन यानी फिजिकल रियलिटी में आपको खुद की एनर्जी जो है, सोल एनर्जी को जनरेट करके, मेडिटेशन करके, आप फोर्थ डायमेंशन में ट्रैवल होते हुए आपको फिफ्थ डायमेंशन में जाके, वहाँ पे आपके कर्मास का प्यूरिफिकेशन जब आपका सोल्स का होगा, तब डिसाइड किया जाएगा कि आपको उस मेडिटेशनल सिक्स डायमेंशंस में, जहाँ पे एस्ट्रल प्लेन में वो संभाला है। इसके बारे में डॉक्टर स्ट्रेंज जो मूवी है उसके अंदर बहुत बढ़िया तरीके से बताया गया है एस्ट्रल प्लेन किस तरह से ट्रैवल होता है। बहुत बहुत ही छोटे सीन हैं, इवन शंभाला का भी वहाँ पे उल्लेख किया गया है, मगर आपने वो पिक्चर एज ए एंटरटेनमेंट देखी है, जाके फिर से रिपीट देखिए, हॉटस्टार पे अभी भी पिक्चर है, जाके हॉटस्टार पे फिर से देखिए। एक बार देखने में समझ में नहीं आएगा आपको, आपको रिपीट रिपीट वो सीन्स रिपीट रिपीट देखने पड़ेंगे, जहाँ पे आपको एस्ट्रल प्लेन
एंड स्पेस टाइम ट्रैवल और शंभाला, इन सब का वहाँ पे उल्लेख आता है। उसके बाद में आता है सेवन्थ डायमेंशन। सेवन्थ डायमेंशन का जो है, मैं कुछ पॉइंट लिख के रखता हूँ कि भूल ना जाए, इसलिए पहले बता देता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ। द सिक्स सेवन्थ डायमेंशन, दिस डायमेंशन इज बिकम द मोर अब्स्ट्रैक्ट एंड लेस दैन द ह्यूमन लैंग्वेज। ये आपको हमारे भाषा में समझने वाली चीज़ नहीं है, इसको आप एक तरह से कॉस्मिक रिलैम कह सकते हैं, यानी जो कॉस्मिक वर्ल्ड है उसका एक जो कंडीशन है वो एक साउंड की तरह है, और ये साउंड जो आपको बिल्कुल सुनाई देता है वो साउंड नहीं है, ये कॉस्मिक साउंड है। ये कॉस्मिक साउंड जो कि आपके, मैं अभी कमेंट सेक्शन में बाजू कर रहा हूँ, मैं कोई भी कमेंट नहीं पढ़ने वाला हूँ अभी, पहले मेरे पॉइंट में बता दूँ, फिर आपको जो यहाँ पे गाली आ जाएगी मेरे मुँह से, तो मेरे कमेंट सेक्शन बाजू करते हैं, मैं कोई भी कमेंट देख नहीं पा रहा हूँ, पहले बोल देता हूँ। तो द सेवन डायमेंशन इज द रिलम ऑफ द कॉस्मिक साउंड, नॉट बाय द वाइब्रेटिंग पैटर्न दैट यू हियर इन फिजिकल डायमेंशन, बट द हार्मोनिक ऑफ द क्रिएशंस। जो ब्रह्मनाद मैंने कहा था, अगर आपको याद होगा, मैंने सबसे ज़्यादा जो बातें की थी स्पिरिचुअलिटी की, वो एडवोकेट विभोर आनंद के चैनल पे मैंने की थी, सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बात करते वक्त, जहाँ पे मैंने ब्रह्मनाद, ब्रह्म साउंड, द फ्रिक्वेंसी ऑफ द साउंड्स, द क्रिएशन ऑफ द साउंड्स, द कॉस्मिक साउंड्स, इसके बारे में बात की थी। वो जो सबसे सारी बातें थी ना, वो थी सेवन्थ डायमेंशन की, जो आज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। तो वो जो ब्रह्मनाद है, जो साउंड ऑफ ओरिजिन है कॉस्मिक ओरिजिन का, जब दो ब्लैक होल एक साथ जुड़ जाते हैं और जो ब्लास्ट होता है, उसके बाद में जो वायर कॉस्मिक साउंड निकलता है, वो साउंड होता है सेवन्थ डायमेंशन, जिससे क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, क्रिएशन ऑफ द मल्टीवर्स होते हैं, क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्सल जर्क या फिर यूनिवर्सल साउंड कहा जाता है। ये है मल्टीवर्स में का सेवन्थ डायमेंशन। इफ द प्रिंसिपल ऑफ द करस्पॉन्डेंस टीचेस दैट द पैटर्न रिपीट एवरी लेवल, देन द डायमेंशन इज द हायर एक्सप्रेशन ऑफ वी नो एज अ साउंड, दिस इज द साउंड ऑफ द क्रिएशन। ये जो है, ये आपकी मेरे और सुनने वाले आपके सुनने वाला साउंड नहीं है, ये साउंड ऑफ द क्रिएशन है। जैसे मैंने कहा था, ब्रह्मनाद है, जब वो मिक्सअप होते हैं साउंड, जब मिक्सअप हो जाके आप विभोर आनंद, एडवोकेट विभोर आनंद जी के साथ मेरा जो वीडियो है वो जाके एक बार फिर से देख लीजिए, क्योंकि मैंने कहा ना, मैंने एक वीडियो के बाद में उस बात पे मैं फिर से बात नहीं करता हूँ, मैं अवॉइड करता हूँ रिपीट रिपीट बातें करना, मैं खुद बोर हो जाता हूँ उस पे। इसलिए आप अगर सेवन डायमेंशन फिर से अच्छे से सुनना है, व्हाट इज़ अ ब्रह्मनाद, व्हाट इज़ अ क्रिएशन ऑफ साउंड, व्हाट इज़ अ कॉस्मिक साउंड, तो आप जाके एडवोकेट विभोर आनंद जी के साथ का मेरा जो 3 घंटे का वीडियो है उसको आराम से जाके देखिए, देखिए, सुनिए, और उसको बहुत अच्छी तरह से आपको कॉस्मिक साउंड के बारे में एक्सप्लेन किया है। वो भी सुशांत सिंह राजपूत के जो उसने इंस्टाग्राम फोटो डाले थे, जो ट्वीट किए थे, उस पोस्ट के ऊपर से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। जब आप डायमेंशन ट्रैवल करते हो, जब आप मेडिटेशन करते हो, आपको देखना क्या है, आपको क्या ढूंढना है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ये क्यों सारी मगजमारी चल रही है मेरी, क्योंकि जिनको हमने टीका लेने से बचा लिया है, पन्नी टीका लेने से जिनको हमने बचा लिया है, अब उन लोगों को हमें फिफ्थ डायमेंशन में और जो है नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने का है, जो गॉड ऑफ जीन है उसको एक्टिव करने का। इसलिए मैंने आपको कहा था, जिस दिन आपको समझेगा कि जो पन्नी टीका लिया है, ये धर्म और अधर्म का, ये सत्य और असत्य का युद्ध है, अब जिनको हमने बचाया है, जिन्होंने टीका नहीं लिया है, उनको अब हमें अगले स्टेप जो है मुक्ति का मार्ग जिसे कहा जाता है, अब ये स्पिरिचुअल लेवल की बात है, ये अपने भावनाओं की बात है, धर्म की बात है, तो मैं मेरे धर्म को मानता हूँ और हमारे मेरे धर्म के हिसाब से मुक्ति का मार्ग ये हर किसी को मिलना चाहिए। तो ये सारा जो डायमेंशन खेल जो आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ और इसका मेरे आपका जो अवेकनिंग है वो करने का मैं ट्राई कर रहा हूँ। भारत में कोई नहीं ट्राई कर रहा है लोगों का सोल अवेकनिंग का, मैं अकेला ट्राई कर रहा हूँ। तो जो सुनेगा उनका सोल अवेकन होने के लिए हम ट्राई कर रहे हैं, जो नहीं सुनेगा, जिनको लगता है ये मल्टीवर्स और ये सारी चीज़ें ये कहावतें हैं, तो जाके आपके धार्मिक गुरु जो होंगे, जो अवेकन हैं, कभी उनसे जाके पूछ लीजिए जो मैं बोल रहा हूँ वो सच है या झूठ है। मल्टीवर्स, उनको अलग अलग उसको आयाम कहा जाता है हिंदी में,
एक आयाम, दूसरा आयाम, तीसरा आयाम, ऐसे कई सारे आयाम हैं, उनको इंग्लिश में मल्टीवर्स कहा गया है, उधर आयाम कहा जाता है। दिस साउंड्स क्रिएशन द स्टडी ऑफ द साइमेटिक्स, वर्ड लिख के लीजिए, बाद में गूगल सर्च कर लीजिए, आप समझेगा नहीं तो। स्पेलिंग है CYMATICS, साइमेटिक्स। द टेरेस्ट्रियल साउंड्स वेव्स आर यूज टू क्रिएट अ विजिबल फॉर्म ऑफ सैंड, डस्ट एंड द जेलीज। द मोर कॉम्प्लेक्स साउंड्स प्लेड थ्रू द मीडियम द मोर कॉम्प्लेक्स शेप्स क्रिएटेड, इंक्लूडिंग द इमेज ऑफ द सैक्रेड जियोमेट्री। वॉट इज द सैक्रेड जियोमेट्री? द संभाला, द सिक्स डायमेंशन इज द सैक्रेड जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर। तो जितना कॉम्प्लेक्स साउंड वेव रहेगा उतना वो कॉम्प्लेक्स हो उसका क्रिएशन और स्ट्रक्चर रहेगा। ये भी अगर आपको समझना है तो उसी का एक्सप्लेनेशन मैंने एडवोकेट विभोर आनंद जी के जो वीडियो है उसके अंदर मैंने बताया है किस तरह से कॉम्प्लेक्स साउंड स्ट्रक्चर होता है, किस तरह से कॉम्प्लेक्स साउंड स्ट्रक्चर उसका डायग्राम दिखता है। और जब वो उसका आप कंप्लीटली जब जो साउंड स्ट्रक्चर कंप्लीटली आप उसके अंदर मल्टीवर्स में यानी उस डायमेंशन में चले जाते हो तो वहाँ पे आपको फिफ्थ डायमेंशन में जो दिखती है इमेज, वो इमेज भी मैं वहाँ पे सुशांत राजपूत ने इंस्टाग्राम पे डाली थी पोस्ट, उसको भी मैंने एक्सप्लेन किया है। तो प्लीज़ जाके वो चीज़, ये सारी वीडियोज़ 2021 के मार्च महीने की है, जो विभोर आनंद का जो वीडियो है वो मैंने 2021 के मार्च महीने में इंटरव्यू दिया था। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको इनडायरेक्टली तब बताई थी, सिर्फ क्यों बताई थी कि आपको पता तो चले कि आप किस चीज़ पे आप टीका लेके किस चीज़ को मिस करने वाले हो, आप किस चीज़ से दूर जाने वाले हो। कल नीतीश राणे जो है उन्होंने कहा है कि फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस सिंह को हिंदू हृदय सम्राट का उपाधि दी जाए। पनीर टीका लगा चुके हो, गाय का सुअर का जो सीरम है वो लगा चुके हो, गॉड जी डिस्ट्रॉय हो रहा है, कहाँ से हिंदू हृदय सम्राट बनने वाले हो आप? ऑन द कॉस्मिक क्रिएशन स्केल ऑफ द कॉस्मिक साउंड डायमेंशन क्रिएशन वेव्स टुगेदर द स्ट्रक्चर ऑफ द रियलिटी ऑफ आवर यूनिवर्स। वो जो साउंड स्ट्रक्चर जिससे बने हैं, जिससे पृथ्वी बनी है, और उसके बाद में ये सारी जो डायमेंशन फर्स्ट, डायमेंशन सेकंड, डायमेंशन थर्ड बना है। डायमेंशन वन मतलब अपना जीन्स, अपने जीनोम कोड, पत्ते पौधे एलिमेंट्स मटेरियल्स, ये जो बने हैं इनका मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर वो जीन बना है उस बिग साउंड के, उस यूनिवर्सल साउंड के क्रिएशन के बाद में, ब्रह्मनाद के बाद में। तो फर्स्ट डायमेंशन जो हमारा जीनोम कोड है, सेकंड डायमेंशन जिसमें पेड़ पौधे और सारे पंछी पक्षी जीव जंतु आते हैं उनका जीनोम स्ट्रक्चर और उनका एनर्जी, क्योंकि वो डायरेक्ट अर्थ के साथ मैग्नेटिक उसके एनर्जी के साथ कनेक्टेड रहते हैं। थर्ड डायमेंशन इन सारी चीज़ों को मिला के जो रियलिटी अभी आप देख रहे हैं, आप मैं जो बात कर रहे हैं ये। और फोर्थ डायमेंशन है जब आप इसके थ्रू मेडिटेशन में जाने का ट्रैवल स्टार्ट करते हो, उस ट्रैवलिंग फेज़ में वहाँ से लेके आपके फिफ्थ डायमेंशन में जाने तक का जो फेज़ है, फिर फिफ्थ डायमेंशन है जो वी मैं से हम तक जाता है। जब मैं से हम बन जाते हो, मैं यानी मैं और ये सारे जीव जंतु पक्षी मानव जाति, ये सृष्टि, इस सृष्टि का हर एक कण, फिर वो इस ग्रह का हो या किसी और ग्रह का, जब आप एक्सेप्ट करते हो दैट इज अ फिफ्थ डायमेंशन। फिर आता है सिक्स डायमेंशन, वो है संभाला। फिर आता है सेवन डायमेंशन, दैट इज द क्रिएशन ऑफ अ साउंड, दैट इज द वेव्स। फिर वो वेव्स जो है आप जितनी कॉम्प्लीस करते जाएंगे, जितना आपकी खुद की एनर्जी है, यही चीज़ आपको समझनी है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज जो पुराना पिक्चर है 2016 का, आपका न्याय यहाँ पे आके पेलिए मत की जाके, अभी जो 6 मार्च को जो पिक्चर रिलीज हुआ है वो नहीं, 2016 का द स्ट्रेंज, डॉक्टर स्ट्रेंज वो वाला पिक्चर जाके देखिए। पहले वो स्टार्ट कंसेप्ट सीख लीजिए, व्हाट इज अ डायमेंशन, व्हाट इज आफ्टर लाइफ, व्हाट इज क्या कहते हैं उसे आपका एस्ट्रल प्लेन, व्हाट इज शंभाला, वो उसमें दिखाया गया है, बताया गया है। तो वो समझिए, फिर बाकी के ज्ञान यहाँ पे आपका थोड़ा सा आके पीलिए। द फर्स्ट स्टेप ऑफ द टेक द फॉर्म ऑफ द सैक्रेड ज्योमेट्री दैट इज द सिक्स डायमेंशन दैट इज शंभाला। वी आर बिकमिंग कॉन्शियस ऑफ अवर ओन व्यूज ऑफ नेचर, our own ability of a wave, the string
टू प्लक आउट द राइट नोट चेंज अ पार्ट इन द सॉन्ग ऑफ द क्रिएशन टू क्रिएट अ लाइफ वी वॉन्ट। हमें जो चीज़ हमारी ज़िंदगी से चाहिए उस चीज़ के लिए आपको वो नोट जो है जो ब्रह्मनाद है उसको आपको चूज़ करना होगा। वो आप कैसे चूज़ कर सकते हैं? बिकॉज क्योंकि आप जब डायमेंशन में जाओगे, जब आप मेडिटेशन करोगे, तो आप जब आपकी एनर्जी उस सिक्स सेवन्थ डायमेंशन के साथ जब लिंकअप होगी, तो आपकी ज़िंदगी की जो सही टाइमलाइन के जो सही डिसीजन है वो वहाँ पे है, आपको वो पकड़ने हैं। तब आपकी ये टाइमलाइन में वो पॉजिटिव नेचर के इम्पैक्ट सेवन डायमेंशन से आप ले सकते हैं। कॉम्प्लेक्स चीज़ है। एक नाम और एक है, लिख लीजिए, बाद में गूगल सर्च कर लीजिए, बारबरा हैंड क्लो, BARBARA, बारबरा हैंड HAN क्लो CLOW क्लो। रिलेट द सेवंथ डायमेंशन टू मॉडर्न सुपर स्ट्रिंग थ्योरी। और जो सुपर स्ट्रिंग थ्योरी, स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में मैंने दो दिन पहले एक वीडियो डाला था, एक ऑरेंज का, फिर उसका नैनो लेवल पे जाके और नैनो लेवल पे जाके, जब वो मॉलिक्यूल लेवल पे जाके, फिर उसका और नैनो लेवल पे जाके, फिर जब उसका एक आखिरी जो एंड है, जो मॉलिक्यूल है, उसको जब उन्होंने स्ट्रिंग किया, जब उसको छेड़ा, तो एक साउंड निकला। वो साउंड दैट इज द क्रिएशन ऑफ सेवंथ डायमेंशन, वो है स्ट्रिंग थेरेपी। उस स्ट्रिंग थ्योरी, उसका वीडियो मैंने दो दिन पहले डाला है, जाके देख लीजिए। मैं आपको जो भी देता हूँ कोई वीडियो, मैक्सिमम मेरे वीडियो किसी न किसी तरह से आपको अवेकनिंग करने के रहते हैं। लोग मजाक में लेते हैं आप, तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो IQ चाहिए जो मैं पोस्ट कर रहा हूँ, पोस्ट समझने के लिए। तो एक कवि था, उन्होंने उसके मजाक में कहा था, मेरे कविताओं को समझने के लिए एटलीस्ट ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, तो इसलिए मेरे पोस्ट को समझने के लिए कम से कम कॉमन सेंस होना ज़रूरी है। एक्स्ट्रा कॉमन सेंस है तो वो मेरे पास नहीं आया सकते, कॉमन सेंस चाहिए। एक्स्ट्रा कॉमन सेंस वाले उनकी यहाँ पे कोई जगह नहीं है। कॉमन सेंस के लिए मेरे पास आके आप सुन सकते हो, समझ सकते हो, कॉमन सेंस लगाएंगे तो। तो बारबरा क्लॉहैंड रिलेटेड द सेवन डायमेंशन टू मॉडर्न सुपर स्ट्रिंग थ्योरी, विच इज अ मॉडल इन विच ऑल द पार्टिकल्स एंड द फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ द यूनिवर्सेस आर सीन एज द टाइनी वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स दैट वाइब्रेट्स एट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। सिंबॉलिक सेंस ऑफ दीज इन्फिनिट स्ट्रिंग ऑफ एनर्जी ऑफ द फैब्रिक ऑफ अ रियलिटी नोन एज अ गैलेक्टिक हाईवे ऑफ अ लाइट। दिस The vibrating nature of the speed of a light, light moving faster than the standing accepted speed of the light exists in the higher dimension, acting as the connecting threads between the galaxies as information highway of light connect us all. दोस्तों, इसके बारे में मैंने एक एग्जाम्पल बताया था, आपको याद होगा, वाराणसी के गंगा के तट के ऊपर एक इंटरव्यू ले रहा था एक बंदा, 2017-2018 का मे भी वो वीडियो था, मैंने देखा था। वहाँ पे उसको एक बंदा मिला था जो धोती और कच्छे अपने धोती और पायजामे में, अपने क्या बोलते हैं, शर्ट, सादा नेहरू शर्ट में था वो। तो उसको उस यूट्यूबर ने पूछा था कि भाई साहब आप कर क्या रहे हैं वहाँ पे, तो बोला ऐसे गप्पे मारते बैठे हैं। तो उसने कहा था, आप तो काशी विश्वनाथ के द्वार पे बैठे हैं, गंगा जी के किनारे आप बैठे हैं, तो आपको क्या लगता है भगवान है? तो उसने कहा था, हाँ भगवान है। तो कहाँ है? इस गंगा नदी के तट पे है या अंदर काशी विश्वनाथ के मंदिर में है? तो उस जो था बंदे, उस बंदे ने, सीनियर थे, बंदा नहीं कहूँगा, अंकल थे, उम्र में बहुत बड़े थे, उन्होंने उनको जवाब दिया कि बेटा मेरे को ये बताओ, बोले कि उन्होंने एक पत्थर उठाया, एक कंकड़ उठाया यहाँ पे पत्थर तो नहीं है मेरे पास, उन्होंने एक पत्थर उठाया और बोला, बताइए बेटा पत्थर है क्या? बोला हाँ ये पत्थर है। तो ये पत्थर क्यों है? तो बोले पत्थर क्यों है। तो उसने कहा, नहीं देखो ये है, अगर आप मॉलिक्यूल भाषा में समझना चाहते हो तो समझो, ये पत्थर यानी सिलिका है, सिलिका का पीरियडिक टेबल के अंदर एक नंबर है, उस नंबर के वहाँ पे उसके खुद के एटम्स और उसके न्यूक्लियस के अराउंड घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन्स वहाँ पे हैं। जब तक वो न्यूक्लियस वहाँ है और उसके आजू बाजू में इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन्स घूम रहे हैं, तब तक ये पत्थर है। जब आप इसको हीटेड करोगे, अब इसको जब हीट दोगे, जब इसको पत्थर को आप एक्स्ट्रा एनर्जी दोगे, तो ये पत्थर का जो इंटरनल मॉलिक्यूल जो है वो न्यूक्लियस, वो
वो अपना स्ट्रक्चर चेंज करेगा, उसके इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन्स को चेंज करेंगे और ये पत्थर जो है ये कांच में बदल जाएगा। क्या था ये जो वाइब्रेटिंग एनर्जी है, वो जो सिलिका के अंदर के न्यूक्लियस के वहाँ पे जो दो एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन खुद को फ्रिक्वेंसी दे रहे हैं, वो फ्रिक्वेंसी उसका स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही है। तो आखिरी लाइन मैंने आपको अभी पढ़ के सुनाई स्ट्रिंग थ्योरी की, द स्ट्रिंग वाइब्रेटिंग थिंग्स दैट वाइब्रेट एट द रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, सिम्बॉलिक सेंस ऑफ द इन्फिनिट स्ट्रिंग एनर्जी एज अ फैब्रिक ऑफ रियलिटी। वो पत्थर जो है वो सिलिका, वो उस वहाँ पे जो स्ट्रिंग थ्योरी की वजह से जो वहाँ पे एनर्जेटिक एक्सचेंज हो रहा है मॉलिक्यूल लेवल पे, न्यूक्लियस लेवल पे, उसकी वजह से वो रियलिटी स्ट्रक्चर वो वहाँ पे है, द गैलेक्टिक हाईवे ऑफ अ लाइट। और ये जो वहाँ पे जो एनर्जी सोर्स है वो गैलेक्टिक लाइज अलायंस का एनर्जी सोर्स है, क्योंकि आप जब टाइम स्पेस ट्रैवल करोगे तो क्वांटम ड्राइव की वजह से, क्वांटम थ्योरी की वजह से क्वांटम स्पेस टाइम एंड फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी मतलब दिस इज अ सेवंथ फ्रिक्वेंसी, सेवंथ वाइब्रेटिंग फ्रिक्वेंसी, यही आपको टाइम स्पेस ट्रैवल करने का मौका देती है। दिस वाइब्रेटिंग नेचर ऑफ द स्पीड ऑफ अ लाइट, लाइट मूविंग फास्टर दैन द स्टैंडर्डली एक्सेप्टेड स्पीड ऑफ लाइट एग्जिस्ट इन दिस हाईवे इन हायर डायमेंशन। तो अभी की जो लाइट स्पीड है उस वो जब आप फिफ्थ डायमेंशन में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत अलग चलती है, यहाँ का टाइम और स्पेस और फिफ्थ डायमेंशन में जो आपका टाइम और स्पेस चलता है वो बहुत अलग चलता है। अगर आपकी घड़ी के हिसाब से अगर टाइम फिफ्थ डायमेंशन में जाओगे वहाँ पे फंस जाओगे, आपको वहाँ फंसना नहीं है, आपको याद रखना है वापस भी आना है। तो ये मेरे को किसी ने बताया था कि वापस आना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरे को भी पता नहीं था। तो वापस आना है, क्योंकि जो है अब मैं सवाल लूँगा, अगर कोई सवाल होंगे तो। यहाँ पे मेरा काम खत्म हुआ।